सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपहंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते रख प्रभु नानक दे कर हाथ अगाम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अपार बख्शिश मेहरामत हुई है। साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा सदका धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की रहमत नाल सतगुरु पातशाह जी की रहमत बख्शिश ऐसी कला मेरे दाते ने वरताई है। ओदी बख्शिश ओदी रहमत श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी दियां उचारण कीतियां हुईयां वारां दी कथा आरंभ कर रहे हैं। जिस भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना नूं पंचम पातशाह गुर अर्जन प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी कुंजी दा दर्जा दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना उन्हां दियां वारां उन्हां दे कवित ते सवैये गुरु पंथ ने इथों तक मर्यादा विच अंकित कर दिता कि जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन बाणी दा कीर्तन अते कलगीधर पातशाह जी दी पवित्र बाणी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी रचना दा कीर्तन गुरुद्वारियां विच धर्म अस्थाना ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब हो सकदा वा उथे भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना अते भाई साहब भाई नंद लाल जी दी रचना नूं भी शामिल कीता गया उन्हां दी पावन बाणी उन्हां दी रचना दा भी कीर्तन हो सकदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां ने अपने कर कमलां नाल श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख बैठ सारियां तों पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा पावन स्वरूप जदों लिखिया गया भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने हत्थां अर्थात कर कमलां नाल लिखिया। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाणी लिखवाई भाई गुरदास जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब दा सब तों पहला स्वरूप अपने हत्थां नाल लिखण दा माण प्राप्त होया। श्री गुरु अमरदास महाराज तीसरे पातशाह जी दे रिश्तेदारी विच भतीजे सन अते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे रिश्तेदारी विच मामा जी लगदे सन। पुरातन विद्वानां दे अनुसार जो बचन इतिहास दे पन्नियां ते आए उन्हां ने बचन लिखिया कहण लगे भाई गुरदास बेटा ईशरदास भल्ले का बासरकियां दा रहण वाला भाव भाई साहब भाई गुरदास जी दा जन्म बासर के नगर दा जिथे दा ही आगमन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा पिता दा नां ईशरदास भल्ले दे घर पैदा होए और बड़ा लम्मा समा धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे समय धन श्री गुरु रामदास महाराज दातार सतगुरु जी दे वक्त अते श्री गुरु अर्जन देव महाराज ते छेवें गुरदेव श्री गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे दातार सतगुरु शहनशाह जी दे समय विच भाई साहब भाई गुरदास जी ने बेअंत सेवावां निभाईयां जिथे काशी ते आगरे तक गुरमत दा सिखी दा प्रचार करन वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी गए उथे गोइंदवाल साहब दी धरती
अमृतसर साहब की धरती इत आदिक थावां ते जिथे जिथे समय समय ते ए गुरु साहबान विचरदे रहे ते दुनिया नूं तारदे रहे, उथे भाई साहब भाई गुरदास जी भी गुरमत दा सिखी दा प्रचार ते नाम बाणी दा छटा थां थां ते दिंदे रहे। भाई गुरदास जी जिन्हां नूं गुरु नानक दे दर घर दा महान विद्वान तत बेता मन्निया जांदा, ऐसियां महान बख्शिशां मेरे दाते ने भाई साहब भाई गुरदास जी ते कीतियां, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप भाई गुरदास जी ने अपने हत्थां नाल लिखिया, उथे श्री हरिमंदर साहब जदों प्रकाश होया, बाबा बुढ़ा साहब जी श्री हरिमंदर साहब दे पहले ग्रंथी स्थापित होए, किड्डी कमाल दी बात, जदों छेवें गुरदेव श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की। अज सानू कोई पुछे श्री अकाल तख्त साहब का जिसका पहला नाम अकाल बुंगा सी, छेवें गुरदेव जी ने यह बनाया। जे कोई सानू अज सिख होने के नाते पुछे श्री अकाल तख्त साहब का सब तो पहला जथेदार अर्थात श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा निभाण वाला सब तो पहला केड़ा गुरसिख सी, ते छेवें गुरदेव मीरी पीरी दे दाते ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं श्री अकाल तख्त साहब का सब तो पहला जथेदार थापिया। एक विद्वान दे दास ने बचन पढ़े, उन्होंने लिखिया, वो कहिंदे जदों श्री अकाल तख्त साहब दे उस थड़े ते बैठ श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दीवान सजाया करदे सी, कदे कदे भाई गुरदास जी जदों थले संगत विच बैठे हुंदे सन, भाई गुरदास जी नूं बुला के आवाज दे के गुरु हरगोबिंद साहब क्या करदे सन, भाई गुरदास जी आओ मेरे पास इसे थड़े दे उत्ते बिराजो तुसी। भाई गुरदास जी भावें निम्रता नाल क्या करदे सी, महाराज मैं सेवक तेरे दर दा गुलाम हाँ, धरती ते ही बैठा सोभदा हाँ, पर दाते ने क्या करना छेवें गुरदेव ने, नहीं भाई गुरदास जी जितनी गुरु नानक दे दर घर दी तुसी सेवा नभाई है, तेरे हिरदे दे उत्ते गुरु नानक बैठा है, तेरे अंतशकरण विच गुरु नानक दीयां बख्शिशां ते रहमतें बाबा नानक तेरे दिल विच चौंकड़ा मार के बैठा, एडा वड्डा मान सत्कार सतगुरु पातशाह भाई साहब भाई गुरदास जी नूं दिया करदे सन। जदों श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना होई, साध संगत सतगुरु पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने महान तख्त जदों सिरजिया, किसी होर इंसान का हाथ नहीं लगा, तिना जणिया ने बनाया, श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, धन बाबा बुढ़ा साहब अते भाई साहब भाई गुरदास जी। श्री अकाल तख्त साहब जदों सिरजिया अर्थात बनाया गया, श्री अकाल तख्त साहब दे उस अकाल बुंगे थड़े दियां इटां करांडी ते तेसी फड़ के सूत बन के किने लाइया इटां, भाई साहब भाई गुरदास जी, ये इटां अकाल तख्त साहब दियां भाई गुरदास जी ने चिणिया, गारा मसाला तैयार किया धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने, अते सिर दे उत्ते टोकरी टोही छेवें गुरदेव धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह। सतगुरु ने आख्या सी भाई गुरदास जी जेड़े हत्थां दे नाल जेड़े कर कमलां दे नाल कदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी तुसी पावन बाणी लिखी आ, अज उन्हां हत्थां दे नाल ही इस श्री अकाल तख्त साहब दीयां इटां तुसी लाउणियां है। ये मान सत्कार वड्याई भाई गुरदास जी दी झोली विच पई। भाई गुरदास जी की रचना जिन्हों का अज गुरु कीयां संगतां गुरु के कीर्तनीय कीर्तन करते हैं, साध संगत बड़ी वड्डी बख्शिश जे भाई गुरदास जी ते, जदों पुरातन समय दे विच असीं लोग भी प्रचारक जदों संथिया करते हुंदे सन, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संथिया करवाण ते जदों कथा सिखते रहे हां, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी की कथा विचार सानू सिखाउण तों पहलां भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां वारां पढ़ाईयां जांदियां सन, भाई गुरदास जी दीयां वारां दे अर्थ सानू पढ़ाए जांदे सन, इस करके तां कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नूं समझणा होर सौखा हो जाए। भाई गुरदास जी ने जिहड़ी व्याख्या थां पर थां
भावें वह कबित हो भावें सवैये ज भाई गुरदास जी दारा हो भाई गुरदास जी ने बड़े ठेठ शब्दों में सानू समझाने की कोशिश की है। भाई गुरदास जी का अज ये साढ़े सिखा के उ बड़ा व्डा पारोपकार है जिन्होंने सारा जीवन गुरु नानक के दर घर की सेवा करद्या हो जीवन गुजारिया। कमाल की बात गोइंदवाल साहब की धरती से भाई साहब भाई गुरदास जी ने अकाल चलाना किया। केवल दास संखेप दे विच बेनती कर रहा कि जिन्ना दी रचना असी उन्हां दियां वारां दी व्याख्या करनी है कुछ ना कुछ सानू उन्हां दे जीवन बारे भी जरूर पता होवे। जदों भाई गुरदास जी ने अकाल चलाना करना सी ना ते छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कीरतपुर साहब तो चल के गोइंदवाल साहब उन्होंने पास आए हथी अंतम संस्कार किया। पर जदों भाई गुरदास जी ने अकाल चलाना करना सी छेवें गुरदेव ने पूछया भाई गुरदास जी ये ठीक है तुसी शरीर करके चले जाना है शरीर करके सारियां दा अकाल चलाना अर्थात ज्योति ज्योत समावना प्रभ पुर पयाना होना आखरी वेले कोई बचन करना जी। भाई गुरदास जी ने एक बचन वरते कहिंदे मीरी पीरी दे दातिया बड़ा लम्मा समा गुरु नानक दे दर घर की सेवा करन दा सुभाग मिलिया बड़िया वड़िया वड़िया बख्शिशां गुरु नानक दे दरों करों दास नू प्राप्त होईयां दाता एक किरपा करिया जे अकाल चलाना ते कर जाना अपने मोढ़ियां दे उत्ते बबान लैके जाया जे अपने हथीं अंतम संस्कार करियो जे ते दाता जी नाल एक बेनती होर है। गुरु हरगोबिंद पातशाह सच्चे शहनशाह मीरी पीरी दे दाता जी कहन लगे दसो भाई गुरदास जी कहन लगे सतगुरु पातशाह मेरे अकाल चलाने तो बाद मेरी याद दे विच मेरा कोई अंगीठा साहब कोई धर्म अस्थान जां मेरे नां दे उत्ते जिस जगह ते मैं अकाल चलाना करना वा इत्थे मेरी कोई यादगार ना बनाया जे आउण वाले समय विच किते इस अस्थान ते मेरी पूजा ना कोई करदा रहे। पूजा केवल अकाल दी गुरु नानक दी गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत जिस गुरु दे सारी जिंदगी गीत गाए उसे दी ही पूजा होनी चाहिए। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने बचन आख्या कहन लगे भाई गुरदास जी जेड़ा बचन तुसी क्या वह प्रवान है पर भाई गुरदास इन्नी सेवा गुरु नानक दे दर घर दी कर चले जे इनिया लिखता अपने हथा नाल लिख के इस सिख कौम की झोड़ी विच पा चले हो तुसी तेरा नाम तुहाडा अस्थान भावें बने ना बने इत्थे ये तुहाडा वचन है ये प्रवान होएगा परंतु जुगां तक तेरा सत्कार ते अदब है जिहड़ा ये हुंदा रहेगा। भाई गुरदास संसार जगत दुनिया दे विच तेरी वड्याई आकाश तक गूंजदी रहेगी। छेवें दाते ने यह वचन वरते सन चिरंकाल तेरा रहे नामू। महाराज कहिंदे भाई गुरदास जेड़े अपने कर कमलां नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप लिखिया ही जे गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी जुगो जुग अटल आ ये जुगां तक रहनी आ ये गूंजा पाउंदी पाउंदी रहनी आ ये बाणी। इसे तरह भाई गुरदास जी अपने हत्थां नाल बाणी लिखण वाले आ ते बाणी गुरु दिया सिखा कमाउण वाले आ तुसीं कल्ली लिखी नहीं कमाई भी आ दिल च ये बाणी दा एक एक अखर जिहड़ा इनू वसाया भी आ तुसी जीवन विच बाणी नू कमाया जीवन विच हंडाया अपने दिल हिरदे ते रोम रोम दे विच टकाया तुसी सही अर्थां च गुरु नानक नू ते अकाल पुरख नू पाया वा। इस करके भाई गुरदास जी जे बाणी जुगां तक गूंजदी रहेगी ते गुरबाणी नू कमाउण वालिया ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लिखण वाले महान सिखा तेरा नाम ही इस धरती से जुगां तक गूंजदा रहेगा। सतगुरु पातशाह ने बेअंत मान सत्कार भी बख्शिया ऐसे ऐसे बचन छेवें गुरदेव ने किते और साध संगत भाई साहब भाई गुरदास जी अकाल चलाना कर गए छेवें गुरदेव सतगुरु पातशाह जी ने सारे दियां सारियां अंतम रस्मां अपने हथी नभाइया छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ऐसे महान गुरसिख ने भाई साहब भाई गुरदास एहो जे सिखां वास्ते
सतगुरु पातशाह ने बाणी च कहा सी, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। एहो जिहे सिख सन जिन्हां नूं कहा सी गुरसिखा अंदर सतगुर वरतै, एहो जिहे सिखां दे दिल हिरदे दे विच ही सतगुरु वरतदा है। तो साध संगत, भाई साहब भाई गुरदास जी की यह रचना जो उन्हां दी दियां वारां ने, साध संगत इन्हां वारां विच श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो लैके छेवें गुरदेव तक सतगुरु पातशाह की उस्तत, भगतां की उस्तत, गुरसिखां की उस्तत, पुरातन समय दे विच होए रब दे प्यारे ध्रुव प्रहलाद इत आदिक उन्हां दी उस्तत वड्याई ते जीवन जाच हर सिख नूं, हर प्राणी मात्र नूं, हर इंसान नूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने सिखाई कि किवें जिंदगी जीणी है। बेअंत दलीलां दे दे के भाई गुरदास जी ने परमेश्वर दे चरणा नाल गुरु दे चरणा नाल जोड़न दी इस लिखत द्वारा भाई गुरदास जी ने यतन कीता, उद्यम कीता कि कोई पढ़े, कोई विचारे, दिल च वसावे, रब की प्राप्ति हो जाएगी। पंचम पातशाह ने भाई गुरदास जी दी वारा तक वेख ते पढ़ के आख्या सी, भाई गुरदास जी तुहाडी रचना पढ़ के, तुहाडे ये लिखे हुए बचन पढ़ के आने वाले समय दे विच पढ़न वालियां नूं, विचारन वालियां नूं, सुनन वालियां नूं, कमाउन वालियां नूं सिखी प्राप्त होया करेगी। सिखी दे महान व्याख्याकार भाई साहब भाई गुरदास जी ने ऐसे व्याख्याकार जिन्हां दी रचना पढ़ के विचार के मन हिरदा गदगद हो जांदा है। सतगुरु पातशाह रहमत करके ये सेवा भाई गुरदास जी दीआं वारां दी व्याख्या दी लै लैण। गुरु पातशाह अगे अरदास आ, तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोग कीतोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, आपे तरस पए होई करस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया। ये भाई साहब भाई गुरदास जी दियां 40 वारा ने जिन्हां नूं एक एक पौड़ियां दे राहीं भाई गुरदास जी ने उचारण कीता। एक दूसरे भाई गुरदास जी होए ने उन्हां नूं आपां भाई गुरदास सिंह भी कहिंदे आ, दसवें पातशाह जी दे वक्त जिन्हां ने वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वह 41वीं वार उन्हां दी उचारण कीती हुई है, जिस विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब की वडियाई है। कहने का भाव वह दूजे भाई गुरदास जी ने जिन्हां नूं आपां भाई गुरदास सिंह भी आखदे हां। तो सत संग दास का भाव यह जो भाई गुरदास जी दीआं 40 वारां उचारण कीतियां होईआं ने इन्हां दी विचार आपां गुरु पातशाह जी की बख्शिश रहमत दे नाल सतगुरु पातशाह दे बख्शिश दे पात्र बण रहमत अते सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश लैके आपां शुरू करांगे। गुरु पातशाह रहमत करन सिर ते मेहर दा बख्शिश दा हाथ रख के सेवा लै लैण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जी की फतेह।